तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला। आज की हर एक बड़ी खबर देश के हर एक कोने से निकल कर आने वाली, आपके फायदे की एवं काम की खबर रहने वाली है। तो भाइयों और बहनों आपसे लगातार गुजारिश है कि वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों संपूर्ण देशवासियों के लिए देश में हो चुके हैं कई बड़े बदलाव। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। LPG रसोई गैस सिलेंडर के साथ साथ यह दो चीजें हो चुकी हैं भयंकर महंगी। देश की आम जनता को लगा बड़ा झटका। इसी के साथ इधर अब यह एकल दस्तावेज बन गया है पूरे देश में बेहद ही अहम। नहीं कर पाएंगे इसके बिना यह छह काम। जान लीजिए आखिरकार सरकार ने क्या बना दिया है यह नियम। साथ ही साथ हर एक युवा महिला एवं बेरोजगार के लिए दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा ₹10,000 का लाभ, तो वहीं हर एक स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलेगा एक एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। साथ ही महिलाओं को भी एक एक घर आवास देने का हुआ ऐलान। बस यह आवेदन फॉर्म भरने की है देरी। अगर आप भी महिलाएं आप भी स्कूल जाते हैं या फिर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई बेरोजगार युवा है तो हर एक के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपके लिए फायदे की रहने वाली हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल सोना चांदी रसोई गैस सिलेंडर LPG रसोई गैस सिलेंडर के साथ साथ दोस्तों इधर आज से देश भर में सिम कार्ड खरीदने को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। अब अगर आप भी इतने से ज़्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर लेते हैं तो लग सकता है ₹10,00,000 तक का जुर्माना। हो जाइए सावधान। इसके अलावा भाई और बहनों अगर आप भी अपना पक्का मकान बनवाकर अपने घर का सपना सच करना चाहते हैं तो अब सरकार आपको दे रही है अंतिम मौका। अगर आपके पास भी नहीं है पक्का मकान तो अभी करवाइए आवेदन। सरकार 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले देगी घर बनवाने के लिए पैसे। दोस्तों कैसे आवेदन करवाना होगा इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जरूर बताई जाएगी। इसीलिए वीडियो में लगातार बिना काट पीट के जरूर बने रहिएगा। साथ ही में भाइयों और बहनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार चलाएगी अभियान। अब जिन किसानों का नहीं हुआ है EKYC उनके घर घर जाकर सरकार खुद करवाएगी EKYC। अगर आप भी दोस्तों किसान हैं और आपको PM किसान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो अब तैयार हो जाइए। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसान को अब सरकार जो है PM किसान योजना के तहत हर साल ₹6,000 देने वाली है। जिनका KYC नहीं हुआ है वह अभी अब घर घर होगा। तो कब से यह अभियान शुरू होगा इसकी भी जानकारी मिलेगी। वहीं भाई और बहनों एक और बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी करना चाहते हैं बेहद ही सस्ते में खरीदारी तो स्मार्टफोन के साथ साथ कई घरेलू चीज़ों के अलावा AC, TV, फ्रिज, कूलर के साथ साथ लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें 50% से ज़्यादा मिल रही हैं सस्ती। जी हाँ दोस्तों, आधे से भी ज़्यादा सस्ते दामों पर आपको इन चीज़ों को कैसे खरीदना है, कहाँ पर सेल शुरू होने वाली है जानेंगे थोड़ी देर में। इधर एक और बड़ी खबर, डेंगू के मरीजों की संख्या में हो रहा तेजी से इजाफा। हो जाइए आप भी सावधान, कई लोगों की हुई मौत तो वहीं लंबी लंबी लगी अस्पतालों में लाइन। दोस्तों किन किन राज्यों में आखिरकार डेंगू के मामले कितने पाए जा रहे हैं, बचाव के तरीके, आखिरकार स्वास्थ्य विभाग क्या यहां पर कदम उठा रहा है वो भी जानेंगे। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी ATM कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर बैंकों में अकाउंट है तो आज से देश भर में इन तीनों ही नियमों को लेकर लागू हो चुके हैं कुछ बड़े बदलाव। जान ले वरना हो जाएगा बैठे बैठाए नुकसान। दोस्तों आखिरकार क्या बदलाव हुए हैं ये ATM कार्ड रसोई गैस सिलेंडर और आपके बैंक खाता धारकों के लिए, इसकी भी पूरी जानकारी भी जानेंगे। इधर आपको बता दें अक्टूबर महीने में अगर आपका भी है कोई ज़रूरी बैंकों से जुड़ा काम काज तो अक्टूबर में 16 दिनों तक रहेगी बैंकों की छुट्टी। देख लें घर से निकलने से पहले एक पूरी लिस्ट, तो किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे वो भी जानेंगे। तो आइए हर एक बड़ी खबर की इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले गुजारिश है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो भी पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने फिर से आम जनता को दिया बड़ा तोहफा। मिलेगा अब इंटरनेट फ्री में चलाने का फिर से मौका। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार अब मुफ्त में वाईफाई सुविधा फिर से शुरू करने वाली है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अब दिल्ली वासियों को जल्द ही मुफ्त वाईफाई की सुविधा का फिर से लाभ उठाने का यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं। फिर से इनको यहाँ पर लाभ जो है दिया जाएगा। पिछले साल आपको बता दें दिसंबर के महीने में फंड की कमी की वजह से दिल्ली सरकार इस सेवा को मुफ्त में यहां पर देना बंद कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है दिल्ली सरकार फिर से अपने नागरिकों को फ्री वाईफाई देने की योजना पर काम कर रही है और इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस स्कीम को फिर से रीडिजाइन सरकार की करने की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर धारकों को लगा बड़ा झटका।
एलपीजी सिलेंडर हो चुका है फिर से 209 रुपए तक महंगा। जी हां दोस्तों, त्योहारों के सीजन आने से पहले ही देशवासियों को बड़ा झटका लगा है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है एक बार फिर से। दोस्तों कोलकाता, जी हां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 203 रुपए 50 पैसे एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, तो वहीं दिल्ली में 209 रुपए महंगा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें 202 रुपए तक यहाँ पर मुंबई में भी महंगाई देखी गई है। तो दोस्तों यह कमर्शियल गैस सिलेंडर है जो कि 209 रुपए तक यहाँ पर मैक्सिमम महंगा हुआ है। इधर एक और अगली बड़ी खबर, एकल दस्तावेज सरकार ने बना दिया है तय नियम, अब इस एक डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होंगे यह 6 जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जैसा कि आप लोगों को हम पहले कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज अब बनने वाला है, आज से आखिरकार वो नियम लागू हो चुका है। देश भर में आज यानी 1 अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। ऐसे में आपके कई काम अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के बिना नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें आधार कार्ड अगर आप बनवाने जाते हैं तो भी अब आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो भी आपको देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, शादी के लिए पंजीकरण कराना चाहते हैं, शिक्षण संस्थान यानी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो हर इन सभी कामों में अब आपको यह बर्थ सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, सस्ते से भी सस्ते में मिल रहे हैं कई चीज़ें, ना चूकें यह मौका, एसी टीवी फ्रिज कूलर के साथ साथ स्मार्टफोन मिल रहे हैं भयंकर सस्ते। जी हाँ दोस्तों, बम्पर ऑफर शुरुआत होने वाली है अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की। यहाँ पर जो है अमेजन पर यहाँ पर एक बम्पर सेल की शुरुआत होने वाली है 8 अक्टूबर से, जिसमें आपको 50% तक भी यानी आधे से भी ज़्यादा दामों पर काफ़ी बड़ी चीज़ों पर छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, लैपटॉप की बात कर लें, टीवी, मोबाइल फ़ोन या फिर अप्लायंसेस, सभी पर यहाँ पर छूट मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें फ्लिपकार्ट पर भी बिग बिलियन डेज की शुरुआत जल्द ही होगी, जहाँ पर आप यहाँ पर सस्ते में खरीदारी कर पाएंगे। इसी के साथ दीपावली से पहले देशवासियों को लग सकता है एक और बड़ा झटका, पेट्रोल और डीजल के दामों में हो सकता है इजाफा। भाई और बहनों, अक्टूबर महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है और इसी दौरान आपको बता दें खबर आ रही है निकलकर देशवासियों को बड़ा झटका लग सकता है, त्योहारी सीजन में तेल की कीमतों में बड़ा यहां पर उछाल आ सकता है। जी हां, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर 40-50% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब अपने देश भारत में भी यहाँ पर ये सभी चीज़ें महंगी हो सकती हैं, यानी पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, आपके पास भी हैं इतने से ज़्यादा सिम कार्ड तो लगेगा जुर्माना। जी हाँ, सरकार ने सिम कार्ड जारी करने को लेकर नियम में बदलाव किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए सिम कार्ड बेचने के नियमों को सख्त कर दिया है। यह नियम 1 अक्टूबर से देश भर में लागू भी हो गया है। जी हाँ, अगर आपके पास में कोई फर्जी सिम कार्ड पाया जाता है तो अब आपके ऊपर 10,00,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। नए सिम कार्ड को लेकर सरकार की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सिम कार्ड अगर कोई बेचता हुआ भी पाया जाता है तो उस पर भी 10,00,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। साथ ही दोस्तों सोना हो चुका है 1400 रुपए तक सस्ता। जी हाँ भाई और बहनों, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। हफ्ते में इस बार 1400 रुपये तक की सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। आपको बता दिया जाए कि सोना 24 कैरेट वाला 57,719 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ है।